असलम जी, मेरा नाम है मुस्तफ़ा शाह और अभी मेरे साथ जो है, मेरा साथ जो इस ट्रांसमिशन के अंदर दे रही हैं, मेरी को होस्ट जो है असका सैफ। असका सैफ, और असका मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं जी, मूविंग ऑन, हमारे पास नए गेस्ट हैं और हमारे कुछ और दोस्त हैं वो मौजूद हैं, उन दोस्तों को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के मिडिल स्कूल का एक बैंड हमारे साथ बड़ा शानदार किस्म के यहाँ मौजूद है, उन्होंने ट्रांसमिशन के अंदर हमारा साथ दिया। सर, वी आर ग्रेटफुल, आप लोग जो है तशरीफ लेकर आए और कुछ जो है टेक्निकल डिलेस और ग्लिचेस भी थे, उसके बावजूद लाइव शो के अंदर आप हमारे साथ जो है वो जुड़े रहे हैं, जुड़े रहने का बहुत। और मैं बैक स्टेज में इनको सुन रही थी, दिस साउंडेड फिनोमिनल। या दे माशाल्लाह, दे आर फिनोमिनल। वो एक झलकी जो है हम आपको दिखाएंगे, गाना हम सुनेंगे, पर पहले हम अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराए थे। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत इकरा चौधरी जो है वो तशरीफ फरमाएं, और इकरा इज़ अ डिज़ाइनर और ब्राइडल वेयर गालबन जो है, ये यकीन करते हैं, मैंने ब्राइडल वेयर इनके देखे हुए कपड़े, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कपड़े। उनके ब्रांड का नाम है मेरून, और उनके बड़ा अनयूजुअल जो है उनका नाम है उनके ब्रांड का, बट अब नहीं, दिस इज़ वेरी क्रिएटिव, दिस थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। उनके साथ जो है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बैठे हैं, मैं जिस तरह का उनको इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ, वो इंट्रोडक्शन शायद वो सुन के थोड़े से नाराज हो जाए, पर मेरे माशाल्लाह बहुत प्यारे बड़े दोस्त जो हैं वो इनके साथ जो हैं, शहरोज मौजूद हैं। शहरोज इज़ अ पब्लिसिस्ट और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपनी अपनी जो है चलाते हैं, पीआर की कंपनी, एंड ट्रस्ट मी, जितने भी फैशन वॉइड और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स की जब भी पीआर की बात होती है तो शहरोज तारिक जो है वो एक पहली ऑप्शन के तौर पे जो उभर के सामने आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इतने ईद मुबारक, दे बोथ लुक ग्रेट, पर इकरा जो है कुछ वेस्टर्नाइज किस्म की ईद जो है गालबन हमारे साथ मिला रहे हैं, फ्यूजन जो है, हम ये डिजाइनर हैं, ये कर सकते हैं। शहरोज के बाद जो है मेरे सीधे हाथ के ऊपर मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, वो तशरीफ फरमाए और इन्होंने मुझे और हमारी ट्रांसमिशन को, ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड अस फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसेप्शन, ये जो है ही इज ऑलवेज बीन देयर, ही इज ऑलवेज डू रनिंग अराउंड ऑन माय बिहाफ, और ईद का मौका है तो मैं इनके बगैर जो है वो मेरी ईद कुछ जो थी वो नामुकम्मल सी थी, जब मेरे तमाम दोस्त यहाँ पर आ रहे थे। मुराद रहीम एक बड़ा नाम पीआर फ्रेटर्निटी के अंदर जो है वो एक बड़ा नाम, और मुझे पीछे से आवाज़ आ रही, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ये पीआर इंडस्ट्री का एक मीठा मीठा नाम है, गालबन आपने कोई मीठी ईद में कोई मीठी चीज़ मेरे प्रोड्यूसर के साथ आपने जरूर किया है। मुराद बिल्कुल सही कह रहे हैं, इज अ स्वीट सोल, और जब भी जो है वेन एवर यू आस्क फॉर हेल्प और जब भी चाहिए वो इन सबको मिलती है, ये दोनों से जो काम, इनसे जो काम बचता है वो उनके पास चला जाता है और उनका जो काम इनसे इनके पास आ जाता है, ये दोनों को पिंग पोंग खेल रहे हैं, क्लाइंट्स को पिंग पोंग इन्होंने बनाया हुआ है, ये एक दूसरे को जो है ना पिंग पोंग खेल रहे हैं, माशाल्लाह जी, दे बोथ आर बिग नेम्स, और दोनों ने जो है बहुत ही एज यंग एज के अंदर जो है अपना नाम जो है वो अचीव किया। उनके साथ एक बहुत ही छोटी सी बबली सी, वो भी मैंने को देखा है कुछ और कुछ बाउंस करते हुए, मैंने को देखा, आपने भी गालबन देखा होगा, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस हर। वेल, द नेक्स्ट गेस्ट इज बेसिकली अ ब्लॉगर एंड अ मॉडल, शी डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इन्होंने भी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैं बात कर रही हूँ द ब्यूटीफुल एंड द वेरी क्यूट महरवश के बारे में। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा महरवश, आपसे स्टार्ट करते हैं कि महरवश आपके नाम का क्या मतलब है? It's actually a Persian word and it means beautiful. Meri family mein we don't really go for usual common names. Lekin I think sabse mushkil mere baat mein baat hai, mujhe laga ki wo keh rahe the ki hamari family mein Persian cat hum dhoond rahe the. Wo mere nahi lagi to maashallah ye aa gayi aur inka naam jo hai wo Mehrwash jo hai. Acha I am stopping you on this note. Hamare paas jo hai wo gana jisse main zikr kiya tha University of Lahore ke UL Music School ka band hamare paas maujood hai aur inke चेहरे के ऊपर हम काफी देर से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अभी भी हंस रहे हैं और इनकी एनर्जी उधर बरकरार है, तो इनके जो वोकल्स के और सिंगिंग के जौहर हैं वो हम इन्हीं के जुबानी सुन लेते हैं।
Wow, very nice. Sa 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 s
یونیورسٹی آف لاہور میوزک اسکول, آپ لوگ چھا گئے, آپ نے جو ہے نا گیم جو ہے وہ کمال ہو گیا, مزہ آ گیا, جگا دیا, ویری نائس. اور جس طرح ہم پہلے سے بات کرتے کہ جو ہے ہمارے پاس کچھ بہت اچھے ان کا میوزک اسکول ہے اور کچھ تھیری کے ٹیچر بھی موجود ہیں, ان کی فیکلٹی ممبر بھی موجود ہیں. مجھے اتنا پتا ہے جو گائے آن دی ڈرمز از دیئر فیکلٹی ممبر, اس طرح کے لوگ جو ہیں سو یو ور فینومینل, اور اس طرح کے اگر آپ میوزک سکھانے والے ہوں گے تو یہ بچے جو ہیں ضرور جو ہے وہ نرچر کریں گے. اس سے یہ بھی پروو ہوتا ہے کہ پاکستان میں میوزیکل ٹیلنٹ کی کتئی کمی نہیں ہے, اور یونیورسٹی آف لاہور کو جو ہے یہ سہرا ضرور جو ہے وہ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. موونگ آن, جو ہے ہم بات کر رہے تھے آپ کی بڑا نہ ہو تو کیٹ رکھ لیں, وہ اسی سائز کی رہے گی. I just get rid of them after a while. بلی اور جو ہے وہ ڈاگ میں کیا فرق ہے؟ بلی بہت مطلبی ہے, ڈاگز آر لوئل. جب ہم جب ٹو مچ موڈی جنہوں نے آج تک رکھی ہوئی ہے ان کو یہ پتا ہے جب ان کو بھوک لگے گی تو وہ آپ کے ساتھ آ کے جو ہے نا دے ول ڈو وہ سارے لاڈ بھی کریں گی, وہ گڈلنگ بھی ہوگی. جب وہ ان کا پیٹ بھر گیا تو وہ دور جا کے بیٹھیں گے. نہیں مصطفیٰ, میں نے 12 بلیاں پالی اور میری 12 بلیوں میں سے ایک بلی نے بھی یہ کام کیا. ٹائم سے گزارا ان کے ان 12 بلیوں میں آپ نے صحیح ٹائم نہیں گزارا. ادروائز بلی کی جو یہ نیچر ہے, دس از آئی مین پروون, یہ جو بلی کی نیچر ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ پھر دور ہو کے آپ کے ساتھ جو ہے اس لیے کہ اسے کوئی لاڈ نہیں. سو میں نے اس کانٹیکس میں نہیں کہا تھا وہ آپ کے گھر میں بلی. تو آپ کا نام کا مطلب بتا دیجیے. میرے نام کا مطلب اٹس خوبصورت, بیکاز مہر از چاند اور وشکا, آئی ایم ناٹ ریلی شور. خود ہی سے آپ ماشاء اللہ پیدا ہو ساتھ ہی. ہاں بس روک لیا. ہاں تو لائک اس بچے کا خوبصورت ہی ہونا چاہیے. ویری نائس. مراد جو ہے آپ نے آج کیا پہنا ہوا ہے؟ کس کو جی آئی ایم ویئرنگ بورا اینڈ سیگل. بہت پیارا لگ رہا ہے. پتا چل رہا ہے کیونکہ ڈیزائنرز کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ ان کا ڈسٹنکٹ. نہیں بھائی یہ والے ڈیزائنرز نہیں ہیں جن کو دیکھ کے پتا چلتا ہے, نہیں تو وہ والے ڈیزائنرز ہم نے شو کے نہیں بلائے تھے جن کو دور سے دیکھ کے پتا چلتا ہے. نہیں میں بتا کہ ان کا ڈسٹنکٹ سٹائل ضرور ہوتا ہے, ڈسٹنکٹ سٹائل یو کین ٹیل. اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے سر. عید جو ہے بات ہو رہی ہے, عید کے اوپر آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ کل چاند رات تھی, چاند رات کے اوپر آپ نے ایسا کیا خاص کے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا؟ ٹریفک, بہت ٹریفک دیکھی. اچھا اور پھر ٹریفک کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ بس ٹریفک دیکھی پھر گھر آ کے. اور کوئی مہندی کسی کو نہیں لے کے گئے, چوڑیاں, کھانا کچھ نہیں کیا؟ نہیں سیریسلی اتنا کھا چکے ہیں آلریڈی. نہیں ہم تو رمضان کے اندر ہم عبادت کر رہے تھے, آپ کھا رہے تھے؟ آئی تھنک چاند رات موسٹلی نا لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ کبھی چاند رات کیسے گزارتے ہیں؟ لڑکیوں کی ہوتی ہے, لڑکیوں کی نہیں ہے. پر جب تک ہم لڑکے گھر سے نکل کے آپ کی چاند رات میں نہ آئے, چاند تو چاہیے تھا چاند رات کے لیے, یہ بات تو صحیح ہے. سو آپ نے کس کو, آپ کس کے ساتھ گئی چوڑیاں پہننے کے لیے؟ میں بالکل بھی کسی کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ مجھے تو آن ٹائم کپڑے دینے ہیں. تبھی یہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں گئی, تبھی جو ہے نا ویسٹرنائز قسم کی عید بنا رہی ہے کیونکہ مجھے خود اپنے لیے ٹائم نہیں ملا. جو آنٹیاں میری ہیں اور خواتین ہیں فیملی, آج سب مل کے ہاتھ کھڑے کریں اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کریں اس عید کے موقع پہ کھڑے کریں یار, اکرا چودھری کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ان کو چوڑیاں لگانے کے لیے بڑی عید مل جائے, سب بولے سمامی. چلے اللہ کہہ رہے جی اگلے شو جب ہم انشاءاللہ کریں گے بڑی عید کا, اس پہ ان کو بلائیں گے, یہ فل جو ہے وہ تیار ہو کے چوڑے چوڑے پہن کے. اور یہ مہندی کرا لیکن وہ بزی اتنی ہے, وہ ڈیزائنر ہے, مجھے لوگوں کے عید کے کپڑے دینے ہوتے ہیں. ہاں ہاں وائی ناٹ. اکرا کی بہت گیم اٹھا رہی ہے, میں نے کہا شاید ان کو ایک جوڑا دیا. اچھا ان کے برانڈ کا نام ہے میرون, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ میرون از اے ویری فارمل کلر اینڈ اٹس اے برائڈل کلر,
सो मैं बेसिकली जो बैकग्राउंड है अपने ब्रांड का वो ब्राइडल्स है. ये एकदम से ईच शो ट्रांसमिशन चेंज हो के ये मरून ट्रांसमिशन हो गई है और हम जो है इसके अंदर ईद के अंदर रंग बहुत होते हैं. सो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. और मैंने आपका काम देखा, आई एम श्योर यहाँ पे जो लोग व्यूज देख रहे हैं उन्होंने आपका काम देखा. यू कॉम योर वर्क इज फिनोमिनल और आई वाज एक्सपेक्टिंग आप अपने कोई अटायर पहनते हैं. मैं आपकी नहीं कह रहा था, मुझे आई डोंट बिलीव इन फ्री की चीजें. अच्छा आपकी ईद की हम बात किया था मसला, आप छोटी सी बबली सी और यू नो वेरी गुड लुकिंग स्वीट हमको उस तरह की और अभी जो है हम कुछ देर पहले जो है आपसे माफ करना बात कर रहा था, मैंने बबली हरकतें देखी जंपिंग देख रहे थे. इतनी छोटी उम्र के अंदर आपका इस तरह नाम जिस तरह वो बड़ा मुश्किल और बड़ा यूनिक सा नाम है, आप बड़े यूनिक से आपके रोल हैं. आपने बताया ये मैं पहले आपके इनके इंसेस्टर्स की बात करूँ, इन्होंने बताया कि आप पंजाबी भी हैं और हाफ जो है अफगानी भी हैं. पठान अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये तीन चार प्रोफेशन के साथ भी जुड़ी हुई है. सो आपको डर नहीं लगता इस छोटी सी उम्र में आपने इतना अपने को ग्रूम करना शुरू कर दिया है, आपको कभी डर नहीं लगता? नहीं, आई थिंक आई एम जस्ट इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस से आई मीन के जैसे यूनिक मेरा बैकग्राउंड है, यूनिक चीजें एक्सप्लोर करना भी पसंद है. सो इट जस्ट कम्स टू यू इफ यू रियली वांट इट, क्योंकि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड दे डोंट इवन नो दे हैव देम. सो आई थिंक आई एम लकी. इंस्पायर एक चीज होती है ना कि जो आपको ज्यादा योर ड्राइव, व्हाट इज योर ड्राइव, मॉडलिंग पीआर आपको खुद पता चलता है व्हाट्स योर थिंग. सो यू नीड टू गेट योर हैंड्स ऑन डिफरेंट. हम पहले भी ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे कि करियर जब भी आपको चूज करें तो जरूरी नहीं कि उसके साथ जो है पक्के जुड़ के रह जाएं, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए. तो वो मैंने इनसे सवाल इससे पूछा था, अपेरेंटली लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ. आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये क्यों कर रही हैं और ये कार्य से नहीं है कि शी इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग. बाय द एंड ऑफ द डे आपको कुछ अरसे को रियलाइज होगा कि इनकी व्हाट इज हर कप ऑफ टी. सो वो उस तक के लिए हम एक्सप्लोर करना चाहिए. मसला ये है कि हम डॉक्टर बन जाते हैं और पब्लिसिस्ट बन जाते हैं, डिजाइनर बन जाते हैं, उसके साथ बहुत ही पब्लिसिस्ट. So I can understand कि ये कितनी मुश्किल है. एक फ्रेज, एक वैसे फ्रेज है बहुत मशहूर, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा. हम बदनाम भी हो रहे हैं. आप लोग पब्लिसिस्ट हैं, आप इसमें कितना बिलीव करते हैं कि बदनाम होके भी नाम लिया जा सकता है. आई मीन लाइक कार्डेशियंस को देख लें, इवन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी जो कि बदनामी से नाम बना रहे हैं अपना. बट आई थिंक दैट इज वेरी difficult to do that क्योंकि उसके लिए भी आपको एक strong guts चाहिए होते हैं. फिर you have to plan that और फिर वो सारा कुछ plan करने में और everyone cannot be G. जिस तरह से अगर हम लोग पीआर को लेकर चले, मुझे लगता है कि हम लोगों का ना इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग ज्यादा है, हैशटैग लगा दो, पिक्चर्स पोस्ट करवा दो, दैट इज नॉट पीआर. पीआर इज वेरी लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पीआर जिसको हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं और फिर हम लोग इंटरनेशनली एक्सप्लोर नहीं कर रहे. हम लोग के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं जिनको हम लोग आगे प्रमोट नहीं कर रहे. तो हम लोग एक बहुत ही छोटे से साइकिल में स्टक हो गए. लाइक वी डू आवर पब्लिकेशंस और फिर हम वहां पे रुक जाते हैं. पर व्हाट अबाउट यू मुराद, वैसे आप भी तो पब्लिसिटी करते हो ना. थोड़ी सी जो है वो सरोज की बात को जो है हम उसके पे ऐड ऑन करूं, थोड़ा सा बेहतर हो गया. पहले तो पीआर से लोग लगता था पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग, कि पीआर इज समथिंग पीपल हु कैन स्पीक वेल, सो वो पब्लिसिस्ट होते हैं. पर यू आर वेरी राइट कि हम पब्लिकेशंस की तरफ बढ़ के रह गए, पर पीआर जो है वो इज वन, इट हैज ग्रोन. यस, पर मार्केटिंग से वो डिफरेंट इस तरह है कि वो एक स्टेप आगे आपको लेके जाती है और पर्सनलाइज किस्म की आप जो है सर्विसेज अगर लोगे. फराज, आप वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? पीआर एक ऐसी चीज है, काम देखें पहली बात वही है कि जिस चीज को आप एंजॉय करके करें वो चीज बेस्ट है, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक से हो. आप लोगों की तस्वीरें खींच के पोस्ट करना अच्छा लगता है? इट्स नॉट पोस्ट करना, नहीं लोग माइंड करते हैं, वी डोंट लाइक पिक्चर. इट्स लाइक कि हम लोग आपको पिक्चर्स भेजते हैं. नहीं, हम लोग वी डोंट वांट पिक्चर. हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपका जो है गौर इस तरफ कराना चाह रहा हूँ कि पीआर की ये क्लास नहीं चली, दिस इज ई ट्रांसमिशन.
मैं फंस गए उसके अंदर मेरे भाई, जो लोग बैठे हुए हैं ईद की रंगा रंगी देखने चलते हैं आदत हो गई ये डिस्कशन करने की। पीआर व्हाट पीआर इज कि जो आप लोग ईद ट्रांसमिशन कर रहे हैं व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो दैट इज पीआर, लाइक वी हैव टू प्रमोट दैट। हम लोग लाइक जितना पब्लिकेशन एंड एवरीथिंग इसको आप ज्यादा लोगों से लेके जाए एग्जैक्टली, कि जितना हम उसको आप लोग मतलब कुछ लोग ऐसे जिनकी तक वो चीज नहीं है लाइक उन लोग वो उस वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो वी प्रमोट दैट। तो एक मिस करें गेम ही खेलने लगा हूँ खेलने तो देख गेम तो बातें कर लो लड़कियों के साथ तो आप लड़की नहीं है ईद का क्या सीन है और आपको सोचनी है जिंदगी के मतलब कि इसी तरह गुजर जाएगी जिंदगी और जो है मुराद के साथ भी गुजार देंगे जिंदगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, जिंदगी में और भी बहुत लोग हैं, फैमिली है सब कुछ है जी, देख रही हूँ काम के अलावा टाइम अच्छा लड़कों को देखने। मैं तमाम का जो है नेशनल चैनल के ऊपर कोहिनूर पे बैठ के लोग देख रहे हैं, प्लीज दुआ करें और हैशटैग इकरा की शादी बड़ी इज्जत है, हैशटैग इकरा की शादी बड़ी इज्जत है पहले और आगे लिखे हेल्प इकरा शेयर। अच्छा इनका क्या इंस्टाग्राम बता रहे हैं, अगर कोई अच्छे लड़कों की तस्वीरें हो, अगर माएं अपने बेटों की तस्वीरें भेजना चाहती हैं तो पहले कपड़े पसंद करें और फिर पहले कपड़े पसंद करें बहू पसंद नहीं आ रही तो फिर भी कपड़े पसंद कर लें। अच्छा इनका क्या है इंस्टाग्राम? मेरून ऑफिशियल। मेरून ऑफिशियल ऑफिशियल मेरून ऑफिशियल, जाके वहां पर जाए लड़कों की तस्वीरें भेजें और बहाना है उनके पास रश लगाने। अच्छा सर लेट्स प्ले अ गेम और हम कौन से सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या खेलने लगे? वी आर गोइंग टू प्ले नेवर हैव आई एवर विद आवर फन लविंग गेस्ट। सो ये भी बहुत फन गेम है और मजे की बात है कि आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग फिर तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा मैं रूल्स बता दूं थोड़े गेम्स गेम के, ठीक है? रूल्स ये हैं बेसिकली, इफ यू हैवंट प्लेड इट ऑलरेडी, मैं कुछ कहूंगी जैसे कि नेवर हैव आई एवर had a fight with Mustafa, ठीक है? और I've never had a fight with Mustafa, तो फिर हाँ तो मैं करूँगी never, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बच्ची, मैं किसी के साथ नहीं लड़ती। Thank you so much. Now let's move to the game और हम जो है अब game खेलने लगे हैं। So please first question. अच्छा पहला मेरा, एक second ये मेरा उत्तर है। Okay. पहला मेरी तरफ से। Okay. Never have I ever cried in public. मैं कभी public में रोई नहीं कोई गाना सुन के। गाना सुन के मजे की बात है। आपको लोग जो रो लेते हैं गाने सुन के और किसी के वो दिल के मासूम लोग होते हैं, बॉयज आर नॉट मासूम है। आप किस बात पे रोए थे और कौन सा गाना देख रहा था? मैं इमोशनल हो गया। क्या क्या याद आ रहा है? आई डोंट रिमेंबर, देयर वाज द डीन फूड गाना मेरा बहुत सारे ऐसे हुए हैं रिसेंटली, कोई बैक स्टेज फैशन शो की बैक स्टेज के रोने के अलावा की बात कुछ चीजें याद आ रही है क्यों शहरोज? कुछ कुछ चीजें याद आ रही है। एक स्पेसिफिक कंडीशन है ना, गाना सुन के पब्लिक में रोए हुए। हाँ आर्टिस्ट वैसे ही बड़े जो होते हैं ना डिजाइनर्स की बात करें तो वी क्राई अ लॉट, हमें आप मौका चाहिए होता रोने का। क्यों हम अपने रोने में रो लेते हैं? हमें अपने रोने जाने की कोशिश करते हैं। मुराद शहरोज इतने रुतु आप लोग कभी नहीं रोए तो यानी के क्यों?
Not publicly. आपकी कंडीशन हाँ पब्लिक नॉट इन पब्लिक इतना यार मेरा वैसे ही बहुत छोटा दिल है मुझे तो हर दूसरी बात पे रोना आ जाता है मैं तो इवन टॉय स्टोरी 2 देख कर रोई थी छोटे से मुराद है कि आप ईदी नहीं देने में बिलीव करते ईदी लेने में ये बताया बाय द वे ईदी से ईदी कहाँ है जिसके घर जाते हैं उनको ईदी दी जाती है जब हम आपके घर आएंगे हम आपको ईदी देंगे आप हमारे घर आएंगे आप आएंगे हम पीआर वाले हैं हम स्टोरी सही है अगर हम क्या पता आपको ऐसे ही नहीं देंगे उसके बाद हम हमारे घर आएंगे ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया नहीं आप हमें ईदी देते हम आपके पोस्ट लगवा देते जब जो लोग इनको पैसे नहीं देते ईदी नहीं देते उनको ये पसीन नहीं लगती ऐसा नहीं है कुछ पसंद आता हम लगाते अच्छा आप दोनों जो है कभी भी नहीं रोए पब्लिकली नहीं रोए आपको कभी कोई गाना सुन के कोई ऐसी मूवमेंट को आओ मूवमेंट देख अकेले में हाँ कुछ मोमेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल कई दफा होता है आपने प्ले लिस्ट लगा के यू जस्ट वॉन्ट टू क्राई तो आप वो प्ले लिस्ट ही वो लगाते हैं इट मेक्स यू क्राई लेकिन वो अकेले हाँ एग्जैक्टली सो लेकिन नॉट लाइक समझ नहीं आया कि ये यहाँ क्रिएट कैसे होता है लेकिन आई कैन आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया कि जो चला जाए जितना दुख और उसके बाद अल्लाह ना करे कभी वो सो आपकी जिंदगी से हमें पता चल गया कि आगे चला गया आपके साथ भी इस तरह नहीं ऐसे नहीं है तो वैसे ही स्टॉप जजिंग अच्छा आई हैड नेवर हैड अ क्रश ऑन माय टीचर अच्छा एवरी गाय हैज दैट लेकिन हमें कभी नहीं इंग्लिश टीचर माय आर्ट्स टीचर ज्योग्राफी टीचर ज्योग्राफी सो यू सेड कैन इट बी अ गर्ल क्रश इफ यस देन आई हैव अच्छा यू हैड एन क्रश ऑन एन अकाउंटिंग teacher yeah. so inka hi badalta she likes dapper people men with brain who are good at exactly. numbers right ab ye aise log dikhate hain aise log accounting teacher with people who are good with number who yeah. are dapper who wear suits who are decent who are elegant who are sophisticated educated. who are civilized who are of course ye educated hoga sari cheez uske mein but aap point to hai alhamdulillah वो रिश्ता जाए अच्छा आपका तो गेम नेक्स्ट लेवल सो आई वाज टोल्ड द नेम देयर वाज अ टीचर सहरेश वाज हर नेम एंड आई वाज इन क्लास 5 आई गेस शी माइट बी वाचिंग सुष्मिता सेन टाइप तो नहीं थी साड़ी पहन के ऐसे बाय द वे शी वाज वेरी प्रीटी एंड शी वाज बट आई एम वेरी प्रीटी आई रियली वेंट टू अ वेरी कूल स्कूल बट अनफॉर्चुनेटली माय प्रीवियस टीचर जैसे सुष्मिता सेन थी बट आई हैड अ क्रश ऑन माय इंग्लिश टीचर वी आई रिमेंबर वी वर प्लेइंग फुटबॉल एंड आई वाज वेरी आई मीन इन फर्स्ट ग्रेड सो मेरा काम बहुत जल्दी शुरू आई स्टार्टेड अर्ली सो शी जस्ट पास बाय तो उन्होंने नए नए काजल लगाना शुरू किया आपको मैं आई सॉ एंड आई फेल्ट इन लव विद दैट लेडी कितने साल के थे तुम आई थिंक वन ग्रेड में कितने होते हैं काजल पता करो कहाँ से चीज मुझे फैसिनेट करना शुरू की लड़कियों के बारे में वो जो स्मोकी आईज वाली खवातीन है ना आपको बहुत पता है एलजीएस वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि ग्रामेरियन लड़कियां जो थी उन्होंने सबसे पहले स्मोकी आईज करना शुरू किया अच्छा वैसे मेरा क्रश था ना वो क्यों था आपको क्या ऐसे लोग पसंद है जो रास्ता गाइड करें आप वैसे क्रीम को गूगल को उबर को जो आपको गाइड करता है डायरेक्शन देता है इनको एक जिंदगी में मना चाहिए जो इनको गाइड करता है सर इधर लेफ्ट इधर राइट गूगल आंटी से प्यार तो नहीं हो गया गूगल वो जो ना एक्चुअली हिस्ट्री के टीचर भी थे और ज्योग्राफी के भी थे उनको नॉलेज बहुत ज्यादा था एंड आई ऑलवेज फॉल फॉर द ब्रेन्स तो जन हाँ तो इसलिए मुझे so, I mean, शो मुराद तेरी तो लीग से बाहर है अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं अच्छा नेवर हैव आई एवर टेकन फूड आउट ऑफ अ बिन एंड ईटन इट मैंने कभी बिन से निकाल के खाया नहीं इट वाज नीट एंड क्लीन बिन ओह शिट इट वाज नीट एंड क्लीन बिन एंड आई मेरी जो है ना वो एक सोच वो इस तरह की कि खाना जाया नहीं होना चाहिए खाना गिरता तो आपकी रिस्क में कमी होती है बिन साफ था तो वो जो है वो गिर गया अच्छा आप बताओ कि भाई क्यों नहीं क्यों नहीं क्या मतलब है भाई हाइजीनिक इश्यूज हैं कभी कभार बिन में खाना अच्छा हाँ हाइजीनिक इश्यू कह सकते हैं व्हाट अबाउट यू आई हैव अ बिलियन टाइम्स आई हैव लॉस्ट माय काउंट
अच्छा मेरे फ्रेंड्स मुझे सबसे डिस्गस्टिंग बोलते हैं एंड आई एम ओके विद इट मतलब आई डोंट इवन रियलाइज इट्स डिस्गस्टिंग बिकॉज़ इट्स नॉट आपने आज कभी बेन से मिल्कशेक स्ट्रॉ लगा के पिया पहली बात तुम हमारी लेडीज को तंग ना करो नहीं ऐसे में जब से आई हुई है पिछले दो घंटे से शेक 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 अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सो आपने खाया हुआ है और आप बहुत खाया हुआ है ईद का मिल्कशेक ईद का मिल्कशेक सो आई नेवर फ्लर्टेड जस्ट टू गेट समथिंग डन एवरी सिंगल डे इंडस्ट्री में आपको करना पड़ता है नॉट रियली रियली एंड यू फ्लर्ट विद एवरीवन नो 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 यू फ्लर्ट विद योर क्लाइंट्स अब देख ले सासे देख ले सासे को ना देख लिया मुराद कब नहीं करता यस मुराद मजे का यार पीआर के अंदर तो कहना ही पड़ता है इफ यू आर इन पीआर हमारे यहां इफ यू आर बीइंग स्वीट विद सामन तो क्या कहते हैं फ्लर्ट कर रहे हो ऐसी बात हां वैसे कहते होते कि फ्रेंडलीनेस ऑफ फ्लर्ट करने को वैसे मिक्स कर देते हो नॉट अ नेगेटिव थिंग यू टेक इट नेगेटिवली but flirt is something ki talking to somebody politely giving them a due attention or being like ki meri aankhon mein dekh raha hai polite yaar koi bada sai not really I'm sorry matlab agar aap sirf casually flirt kar rahe it means aap bahut logon ko lead on bhi kar rahe ho if it's a normal thing for you so aapne kab last flirt kiya acha next question poochte hain ha मैं कभी किसी के फोन आई हैव नेवर बीन थ्रू समबडीज फोन विदाउट परमिशन आई एम सच अ हॉरिबल पर्सन आई एम सॉरी मैं कभी किसी के बेस्ट फ्रेंड का परमिटेड है किस अच्छा इट वाज अ फ्रेंड अ गर्ल फ्रेंड नॉट अ गर्ल गर्ल फ्रेंड क्या देखा फोन में WhatsApp आप गलत बताइए हम जो आपसे पूछ रहे हैं कुछ और बस आई हैड सिग्निफिकेंट अदर के फोन से लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं उस तरह कुछ नहीं मैंने तो नोट्स निकाले थे अपने टीचर के फोन तो ये तो अच्छा वो तो चोरी है आपने कहा वो बोल दिया आप बोल दिया अच्छा और आप फ्रेंड यहां पे सब चोर हैं हां Yes. I कुछ करना पड़ता है इट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट यस एंड आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैं ये देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन सबसे मजे का देखो जरा अच्छा जो है आई हैव नेवर डन एनीथिंग इलीगल आई हैव I think the day I bought on Skynet ऐसा कुछ नहीं किया यार मेरी यहाँ पे शरीफ we all are bad people no I am not a bad person no boring how boring is that boring how boring is that we will make you do it so हम जो है सब ने कुछ ना कुछ illegal किया हुआ है मैं आपके illegal भी नहीं आऊँगा please not लोग channel बंद आपका channel बंद हो जाएगा what have you done lately illegal thing traffic rules को violation जो है वो ही illegal that's boring too मैंने कुछ इलीगल नहीं किया मैं इलीगल वेपन सुना आपने मैं बस वैसे एक इलीगल वेपन तो है देख ले इन हर बंदे का मतलब इलीगल क्या था वो इलीगल मैं खुद So, ये फैमिली शो है इस पे ऐसी बातें नहीं करते फैशन ग्रुप फैशन ग्रुप आपने क्या इलीगल लास्ट मैं ड्राइविंग करती हूँ विदाउट लाइसेंस अभी तक ही लाइसेंस आप वो 90% आवाम में से हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है दिन 13 इयर्स के मैं ड्राइविंग कर रही हूँ ये तो क्या उसके फील करें
जो है हम मुझे इन दोनों का पता था कि इन दोनों को मैं कुछ ज्यादा मैंने कह दिया था. थैंक यू सो मच गाइस. कैन वी हैव अ बोनस क्वेश्चन? बोनस क्वेश्चन आई लाइक इट. तो आप कर ले हमसे. आप चल मैं कर आप ये कर ये कर ले हम आप कर लो आप करें. हां बोनस क्वेश्चन. इफ यू वांट अ बोनस क्वेश्चन देन यू हैव टू कम. यू आर टेकिंग अ रिस्क. मैं कुछ नहीं कर रहा जो दिल कर रहा है. हमने लाइव में हम कुछ कर नहीं सकते. पूछने वाला नेवर हैव आई एवर. स्लो क्लैप्स हो रहे हैं. ब्रोकन अ ब्रो कोड. ब्रोकन अ ब्रो कोड. आई हैव आई हैव नेवर कोड. आई हैव नो ब्रो कोड. स्लो क्लैप्स. स्लो क्लैप्स फॉर अस इन के लिए लाइक समथिंग लाइक दिस इज रिलीजियस टू मी. रियली आई थिंक आई हैव नेवर. आई हैव हम आपसे जो है एक एक ईद का मैसेज जो है वो लेना चाह रहे हैं. इकरा से हम स्टार्ट करते हैं. आपने हमें इतना एंटरटेन किया. हम चाहते हैं कि आप एक खूबसूरत मैसेज हमारे ऑडियंसेस के लिए जरूर छोड़ें ईद के मौके पर. ओके मैं चाहती हूँ कि अच्छे से खुशी खुशी कलरफुल सी ईद मनाएं और जो लोग नाराज हैं उनको मनाएं. लवली मैसेज. और जो लोग बैचलर हैं वो रब्ता करें. वो रब्ता करें यार. हमने रब्ता करने के लिए इन्होंने एक असिस्टेंट हायर किया है अपने पास. हाउ कैन यू फॉरगेट दैट. एग्जैक्टली. योर मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग का एक ही बड़ा फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट करते हैं. तो उस पर पार्टी करें, एंजॉय करें. एंजॉय करें और जो है घर वालों से बैठे हैं. फूड फेस्टिवल यू नो एंजॉय फूड. और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये कि प्लीज मैन आई ऑलवेज टेल टू ईट हेल्दी. आप थोड़ा खाएं पर सब कुछ खाएं. ईद के जो तीन दिन है इसके अंदर सब कुछ खाएं. मुस्तफा आप खुद भी इस चीज को मानेंगे. आप खुद भी इस चीज को मानेंगे. आप सोच रहे होंगे ईद में सब कुछ. अब आपने शी फॉर्म में कि देंगे नहीं खाने. हाँ वो देंगे ना खाएंगे क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे. Everybody please अपने छोटों को ईद ही दें because it's been a while. मुझे नहीं मिली और फील रेडी. घर वाले चीज सुने. I'm growing up. अगर इनके घर वाले और खानदान वाले और मोहल्ले वाले प्लीज ईद ही भेज दें इस बच्ची की जो है हमें नहीं देंगे. हमें नहीं देंगे ईद के मौके पे. प्लीज हमारी ईद ही इनको दे दें. आपका भी कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है ईद के मैसेजेस आएंगे. ईद ही आएगी. नहीं वो आप बैंक अकाउंट सेंड कर देना. बैंक अकाउंट चाहिए. इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए. ईजी पैसा करवा देंगे. ठीक है क्योंकि मुझे रिश्ते नहीं चाहिए. आई वॉन्ट मनी राइट नाउ. ही वांट्स मनी. वैसे चाहिए मुझे भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. हाँ ये तो कहने की बात है. सीरियसली आपकी मुझे आवाज में आ रही है. सीरियसली आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. आप भी कोई मैसेज बताओ ना जी. ईद इज अ थिंग फॉर फैमिली. फैमिली टाइम है. उसको फैमिली के साथ एंजॉय करें. फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें. खाएं पिए मौजे मनाएं. और हम लाहौर से ताल्लुक करते हैं तो जरा खाने पीने का शौकीन है हम सब. और मीठी 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 बातें करें. मीठी मीठी बातें करें. बच्चों को पैसे दें. बड़े जेब हल्की करें. बच्चों के लिए जेब हल्की करें. बिल्कुल. थैंक यू सो मच गाइज. और दिस ब्रिंग अस टू एन एंड. और मैं बहुत मजा आया. बहुत मजा आया जी. आप थैंक यू सो मच. बहुत एंजॉय किया. और जब भी दोस्त हम सारे दोस्त हैं और वो नजर भी आ रहा था आई एम श्योर को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा जो दोस्ती का एलिमेंट था. सो कहा सुना माफ. हमने जो बातें की है प्लेयर और ईद के मौके पर जब दोस्त मिलकर बैठते हैं तो इसी तरह की जो है ब्लैबरिंग सेशन होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता. जस्ट एक हंसी और अच्छे टाइम के लिए. इस मौके के ऊपर ईद के मौके के ऊपर जो है अपने तमाम तर हमारे जितने भी मुहाफिज हैं हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फौजी हजरात मौजूद हैं. सिपाही हैं. जवान जो है वो हमें जो है वो हमें बॉर्डर्स को जो है वो सेफ रखते हैं तभी हम इस तरह की कलरफुल और जबरदस्त किस्म की ईद जो है मना सकते हैं जी. तमाम तर जो है हमारे पुलिस के मुहाफिज हैं जो रोड्स के ऊपर जो है वो दिन और रात जो है करके एक करके वो ड्यूटी देते हैं. ईद की नमाज के ऊपर हमने आज विटनेस किया होगा कि ईद की नमाज के ऊपर एक्चुअली जो है वो दे वर स्टैंडिंग देयर और वो खड़े होकर स्नाइपर्स हैं और बाकी तमाम फौज के मुहाफिज रेंजर्स और पुलिस जो है वो हमारे लिए सिक्योरिटी करके ताकि हम ईद की नमाज जो है पीस ऑफ माइंड के साथ कर सकें और घर बैठ के ईद की खुशियां जो है दुबला कर सकें. सो हमारा बहुत बहुत सलाम और बहुत जो है हम शुक्र गुजार हैं कोहिनूर की तरफ से. हम बहुत शुक्र गुजार हैं. बहुत बहुत मीठी ईद मुबारक. हम जो है गाने के ऊपर जा रहे हैं और गाने से जो है हम अपनी ईद की ट्रांसमिशन का जो है इख्तिताम करते हैं.
I don't know what you know.